राजधानी दिल्ली में फैशन पर्ल्स मैगजीन मिसेज दिल्ली एनसीआर के ताज के लिए कांटे की टक्कर हुई। फैशन वर्ल्ड में एंट्री के लिए मैरिड मॉडल्स का उत्साह देखते ही बन रहा था। इस बीच सेलेब्स की परफॉर्मेंस ने फैशन की शाम को और भी शानदार बना दिया। तो वही मिसेज दिल्ली एनसीआर का ताज सजा रश्मि के सर। फैशन की बहार, स्टाइल का तड़का और रैंप पर अदाओं का जलवा, ये नजारा है मिसेज दिल्ली एनसीआर का। आज का इवेंट विवाहित महिलाओं के लिए है, जिनके लिए हम ये कॉन्टेस्ट ब्यूटी पेजेंट अभी होल्ड कर रहे हैं, जिसके अंदर से कुछ विनर्स निकलेंगे पूरे दिल्ली और एनसीआर के अंदर, जो बहुत खूबसूरत दिखने वाली महिलाएं हैं। उसके अलावा उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा किया है और करना चाहते हैं, उनको ये मौका दिया गया है। डेफिनेटली इसके बाद इनको काफ़ी सारे वर्क प्रोफाइल्स अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, क्योंकि इतना बड़ा रैंप मिलता है, बहुत सारे जाने माने लोग यहाँ आके इनको देखते हैं, इनकी विजिबिलिटी बनती है और इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, जैसे हम इनको ग्रूमिंग करके तैयार करते हैं। फैशन के रंगों में रंगी शाम में मिसेज दिल्ली एनसीआर चुनना बेहद चुनौतियों भरा तब हो गया जब कंटेस्टेंट ने एथनिक वेयर से लेकर मॉडर्न वेयर तक हर ड्रेस को अपने अंदाज में, अपनी पर्सनालिटी के साथ जजेस के सामने बिंदास अंदाज में पेश किया। हाउ दे कैरी देमसेल्व्स, वो कैसे अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, उनका क्या पॉइज स्टाइल, बिकॉज मेकअप के साथ साथ इज ऑल्सो योर पर्सनैलिटी विच मैटर्स, तो वो सब भी हम देखेंगे एज अ जज। And I'm sure today तो of course professionals की help से उन्होंने किया है, but जो personally वो जो करते हैं वो सब contest में देख लेते हैं। Married woman के लिए dream come true इसलिए क्योंकि देखो पहले ज़माना कुछ और बात था, अभी ज़माना कुछ और है, ये युद्ध ही बदल गए हैं अब तो आई जस्ट थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर मैरिड वुमेन हु ऑलरेडी वेरी ऑर्गेनाइज विद हस्बैंड्स, चिल्ड्रंस, फैमिलीज, इन लॉज। मिसेस जो होती है बहुत डिफिकल्ट चीज़ जज करने में, क्योंकि मैं बताऊँ व्हेन यू जजिंग मिस तो बहुत टेक्निकल चीज़ है जहाँ उसको ट्रैप कर सकती है, क्योंकि बच्चों हैं बेसिकली मिस में बहुत बच्चे होते हैं, ये तो बहुत मैच्योर लोग होती है, वेरी मैच्योर, इट कुड बी फ्रॉम द एज ऑफ 30+। मैरिड वुमन को जज करना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो एक लड़की है, टीनेजर्स को हम जैसे जज करते हैं, मिस दिल्ली, मिस इंडिया, जज मिस नॉर्थ इंडिया, ऐसी जब मैं इवेंट जज करता हूँ तो मैं उसमें देखता हूँ कि ये लड़की आगे जाए क्या करेगी, पर ये तो आगे आ चुके हैं, इन्होंने आगे जाके और कुछ और आगे जाए करना है, इस एक पड़ाव तो पार कर चुकी है। शाम को और खूबसूरत बनाया सेलिब्रिटी मेकओवर आर्टिस्ट, बॉलीवुड सिंगर और फैशन की बारीक समझ रखने वाले जजेस के शानदार पैनल ने। इसका फिनाले है वाइब्रेंट मिसेज दिल्ली एनसीआर का और 21 कंटेस्टेंट्स हैं हमारे पास में, जो कि आज स्टेज पे चढ़ेंगे और उनमें से आप जो सबसे बेहतरीन होगा वो निकलेगा, वो आपके सामने आएगा। और मिसेज वाइब्रेंट मिसेज दिल्ली एनसीआर के अंदर हम लोग मतलब वीमेन अपलिफ्ट का काम कर रहे हैं हम इसके अंदर बेसिकली, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी सबसे डिजर्विंग हो वही जीते यहाँ पर आकर। और आज तक अभी तक जो ऑडिशन चले हैं वो बहुत ही अच्छे रहे हैं और 100 कंटेस्टेंट्स हमारे पास आए थे जिसमें से हमने बेहतरीन 21 निकाले हैं बाहर, जिनको हम मौका दे रहे हैं। कोई न्यूली वेडेड था तो कोई लविंग केयर मॉम, तो कोई एंटरप्रेन्योर, तो कोई हाउसवाइफ, मेकअप से लेकर आईक्यू तक सभी कंटेस्टेंट ने खूबसूरती का ताज अपने नाम करने के लिए एक दूसरे को जबरदस्त कॉम्पिटिशन दिया और इसमें बाजी मारी कंटेस्टेंट नंबर 13 रश्मि ने। मैरिड वुमेन की लाइफ को नए सिरे से डिफाइन करने और उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के साथ साथ फैशन वर्ल्ड में एंट्री के लिए ये कॉन्टेस्ट माइलस्टोन है। प्रोग्रामिंग डेस्क, समाचार प्लस।